उसकी शानो शौकत पर इस कदर हम फिदा कि आफ्ताब है जहां हम भी बस वहां। दोस्तों यहां पे आफ्ताब है सूर्य और इस पर जो फिदा है वो है सूरजमुखी का पौधा। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के साथ साथ घूमता रहता है। यह तब तक खिलता है जब तक सूर्य की धूप बंद नहीं होती। सूर्य की तरफ मुंह रखने के कारण ही इसको सूरजमुखी का पौधा कहा गया है। दोस्तों मैं हूं दिनेश बेनीवाल और आज मैं आपको सूरजमुखी के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहा हूं। यह पौधा अमेरिकन मूल का है और भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में फैला है। सूरजमुखी का फूल बेहद खूबसूरत और आकर्षक होता है और लगभग इसकी 70 प्रजातियां हैं। यह पौधा परमाणु रेडिएशन को सोखता है और मिट्टी में से हानिकारक पदार्थों को अब्सॉर्ब कर लेता है। दोस्तों यह यूक्रेन एवं रूस का राष्ट्रीय फूल है। सूरजमुखी का पौधा गर्मियों में पनपता है। दोस्तों जितना ज्यादा यह आकर्षक होता है उससे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसके स्वास्थ्य के इतने ज्यादा लाभ हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। इसके बीजों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, जिसकी वजह से शरीर की कई बीमारियां नष्ट होती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। इसके बीज ह्यूमन हार्ट के लिए भी बहुत लाभकारी होते हैं और इसमें पाए जाने वाले पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन्स और फ्लेवोनॉइड दिल से जुड़ी समस्याओं के लिए लाभदायक होते हैं। दोस्तों सूरजमुखी के पौधे को लगाने का सबसे सही समय मार्च के महीने में होता है। जब भी आप सूरजमुखी पौधे को उगाएं तो इससे पहले यह देख लेना चाहिए कि आपके पौधे की प्रजाति क्या है। अगर यह पौधा बड़े फूल वाला है तो इसे कम से कम 12 इंची के गमले में लगाएं। पौधे लगाने के बाद जब आपके पौधे पर फूल खिलना शुरू न हो जाए तब तक आप अपने गमले की मिट्टी समय समय पर गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई के समय थोड़े टाइम बाद इसमें पानी डालें। जब तक पौधे पर फूल नहीं आते तब तक इसके अंदर नमी रहनी चाहिए। जब पौधे पर फूल आने शुरू हो जाएं, तब आप पौधे को सप्ताह में 2 या 3 बार पानी दे सकते हैं। सूरजमुखी के पेड़ को खाद की ज्यादा जरूरत नहीं होती है और आप इस पौधे को महीने में 1 या 2 बार 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। सूरजमुखी के पौधे को धूप बहुत पसंद होती है। आप हमेशा इस पौधे को ऐसी जगह लगाएं जहां पर धूप आती हो। अगर आप इस पौधे को छाया वाले स्थान पर रखते हैं तो इससे पौधे की पत्तियों का आकार और संख्या तो बढ़ेगी लेकिन इस पर फूल नहीं आएंगे। हमेशा सूरजमुखी को धूप वाले स्थान पर लगाएं। इस पौधे को अगर जरूरत से ज्यादा पानी दिया जाता है तो इसमें फंगस लगने का खतरा रहता है। अगर पौधे में फंगस लग जाती है तो आप इस पर फंगस साइड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।